नवाज शरीफ का टाइम हमेशा वो टाइम रहा है कि जब मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया इस मुल्क को आगे लेके गई। आज इस मुल्क का जो बुरान है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो बिजली के बिल हैं, अगर इस टाइम पे पाकिस्तानी आवाम को, इस मुल्क को कोई बंदा बचा सकता है तो वो एक ही लीडर है, उसका नाम क्या है आप बताओ, आप बताओ, हाथ उठा के बताओ उस लीडर का क्या नाम है। मेरे भाइयों, शेरो, 21 तारीख को रेफरेंडम है, उस रेफरेंडम में आपने निकलना है और आपने साबित करना है कि आप मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं और हम मियां नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करेंगे, मियां नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करेंगे जो खमीनी का हुआ, जो आज तक पाकिस्तान में किसी का ना हो सका, इस पर आ चुका है। ये शेर है जितने भी मियां नवाज शरीफ आके फिर आज से शुरू करेगा जब 2017 में छोड़ के गए थे। हमारा कायद फिर आएगा, हमारा कायद बार बार आएगा, हमारा कायद आएगा और डिलीवर करेगा, वो फिर काम करेगा, इस इमाम की खातिर काम करेगा, इमाम की खातिर काम करेगा, इन बहनों की खातिर काम करेगा और पाकिस्तान को फिर वही एशियन टाइगर बनाएगा जो 2017 में हम छोड़ के गए थे। फिर सस्ती रोटी करेगा, 10 रुपए की रोटी फिर होगी, डॉलर 100 रुपए का फिर होगा, पेट्रोल 60 रुपए का फिर होगा और वो कौन करेगा आप बताओ, मीडिया वालों को बताओ, इन लोगों को, पूरे पाकिस्तान को हाथ उठा के जवाब दो, वो सस्ती रोटी, वो पेट्रोल को वापस, डॉलर को ठीक, इस मुल्क को कौन ठीक करने है जो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद की किरण है, वो उस गरीब की उम्मीद की किरण है जिसका 15,000 बिल है, वो उस गरीब की उम्मीद की किरण है जो बेरोजगार है, वो उस उम्मीद की, उस गरीब की उम्मीद की किरण है जो 300 लीटर पेट्रोल नहीं डलवा सकता, वो उस उम्मीद, गरीब की उम्मीद की किरण है जो इस बिजली के बिलों से तंग आ चुका है। मेरे भाइयों, पीछे एंड तक उठा के जवाब दो, जो जिनको पता है, जो मानते हैं, जो यकीन करते हैं कि इस बेरोजगार का, बेरोजगारी का हल मियां नवाज शरीफ के पास है, इस मुश्किल हालात का हल मियां नवाज शरीफ के पास है, अगर पाकिस्तान बात को ठीक कर सकता है तो नवाज शरीफ है, तो हाथ उठा के जवाब दो, मियां तेरे चाहने वाले, मियां तेरे चाहने वाले, और इन शेरनियों के लिए और शेरों के लिए नारा है, देखो देखो कौन आया, हाथ उठा के शेरों की जमात जवाब दे, एक एक एंड से जो स्क्रीन के पास भी खड़े हैं वो भी खड़े हो गए, देखो देखो कौन आया। मैं आप सबको आज नारायण हाउस में अभी हमदीद कहता हूँ, आपने यहाँ पे आकर ये सबूत दिया कि ये शहर जो है वो शेरों का शहर है, ये शहर जो है वफादार करने वाले लोगों का शहर है, आप सबका शुक्रिया कि इस मीटिंग को जलसा बना के आपने कामयाब किया। यहाँ पे जो लोग आज तशरीफ लेके आए हैं 80% लोग वो हैं जिनको मैं अल्लाह की फजल से पर्सनली जानता हूँ और जिनको मैंने फोन कॉल कर खुद यहाँ पे इनवाइट किया। आप बताएं क्या मुस्लिम लीग का एक ही बंदा बिका, कोई झुका, कोई भागा, कोई डरा, कोई पीछे हुआ, कोई कारकुन भागा, कोई भी कारकुन पीछे नहीं हुआ, क्योंकि ये शेरों की जमात है और ये वफा करने वालों की जमात है, किसी भी बेवफा शख्स के साथ पिंडी वाले नहीं चलते। परवेज मुशर्रफ ने जब शख्स खून मारा, यहाँ पे ऐसे लोग अभी बैठे हुए हैं कि जो डिक्टेटर की जो क्या रिवेंज था उसके रिवेंज में है, सरदार नसीम साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने उस डिक्टेटर का रिवेंज देखा, मेरे वालिद साहब बैठे हैं 3 साल जेल काटी, फिर परवेज मुशर्रफ का टाइम आया, टाइम अच्छा होगा लेकिन जो जमहूरियत थी जमहूरियत खत्म हो गई।